तो एटम के बारे में आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एटम के बारे में किन अलग अलग लोगों ने क्या टिप्पणी दी वट एग्जैक्टली दे हैव टोल्ड अबाउट एटम एटम के स्ट्रक्चर्स को समझने वाले हैं हम शुरुआत से लेके अब तक जो फाइनली जो एटम का स्ट्रक्चर आया वो कैसे पहुंचा अपने कगार तक अपने अंजाम तक सो स्टूडेंट्स आज एक दास्तान सुनने वाले हैं हम शुरुआत से लेके से लेके अंजाम तक की कहानी सुनने के लिए तैयार हो आप तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज ये जानेंगे के अलग -अलग क्या हैं डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही जरूरी है आगे आने वाले सालों में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे द बेसिक बेसिक वन आई टू टेल यूस कि बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये एटम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि एटम जो फाइनल स्टेज पे जो पहुंचा है जिसे हम सब जिस स्ट्रक्चर को जानते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे आया वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट फेजिस एटम की शुरुआत कैसे हुई और लोगों ने उसके बारे में साइंटिस्ट ने उसके बारे में क्या कहा जब भी हम किसी चीज का जिक्र करते हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक हम डिस्कस करेंगे बच्चों जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको फ्रीडम फाइटर्स को आप जानते हो इंडिया को फ्रीडम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई एक भी फ्रीडम फाइटर ना होता तो शायद आज अंजाम कुछ और ही होता सिमिलरली एटम के मामले में भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए कुछ कंक्लूजन दिए कुछ ऑब्जर्व किए और एटम का एक स्ट्रक्चर बताया ओके okay? सो so, अलग अलग साइंटिस्ट की मदद से फाइनली एक एंड प्रोडक्ट निकला तो आज हम वही डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट मॉडल्स कौन थे वो लोग जो एटम की इस कहानी में हिस्सेदार थे चलिए एक-एक करके मैं आपको बताती हूं कि किन-किन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था एटम को समझाने में सो देयर आर डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स शुरुआत की हमारे जॉन डाल्टन ने 1803 में शुरुआत की जॉन डाल्टन ने एंड आई नो दैट यू ऑल नो कि एटॉमिक थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जॉन डाल्टन की हाँ है ना राइट सो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले शुरुआत की एटम के बारे में बताया ओके okay? उन्होंने एटम की थ्योरी भी दी राइट right? और फिर जॉन डाल्टन के बाद आए जे जे थॉमसन 1904 ने जे जे थॉमसन ने अपनी तरफ से एक मॉडल प्रेजेंट किया ओके okay? फिर बारी आई अर्नेस्ट रदरफोर्ड की सो so, रदरफोर्ड ने 1911 1911 में अपनी तरफ से एक मॉडल रिप्रेजेंट किया फिर बारी आई नील्स बोर की 1913 में एंड देन केम श्रोडिंगर इन 1926 सो so, अब आप बोलोगे मैम क्या इन सबको याद रखना पड़ेगा इन्होंने क्या काम किया ये सब हमें याद रखना पड़ेगा बिल्कुल याद रखना पड़ेगा अभी क्लास नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो ऑलरेडी जॉन डाल्टन का एटम का मॉडल हम समझ चुके हैं बच्चों वी हैव ऑलरेडी रेड जॉन डाल्टन एटोमिक थियोरी सो मूविंग ऑन वी विल डिस्कस इन टूडेज क्लास जे जे मॉडल

कैसे कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो मैंने आपको अब एक आइडिया दे दिया है एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि हमें एक्चुअली आज करना क्या है राइट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थ्री एटॉमिक मॉडल्स सो इन डिटेल वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम ओके आपके दिमाग में बच्चों एक सवाल आना चाहिए मैम जब एक आदमी ने अपनी तरफ से बता ही दिया है तो फिर दूसरे को आने की जरूरत ही क्या है बिल्कुल जरूरत है हर एक बंदे में कमियां होती है जैसे कि कहा जाता है नोबडी इज परफेक्ट बट अ साइंटिस्ट इज गिविंग सम कंक्लूजन उसमें भी कमियां हो सकती है लिमिटेशन हम उन्हें कहते हैं ड्रॉबैक्स कहते हैं डीमेरिट्स कहते हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए फिर एक और साइंटिस्ट आया और उन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया ओके okay, सो so अब आप समझ गए हो ना ये जरूरत थी बच्चों आविष्कार आवश्यकता की जननी है नेसेसिटी कुछ अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए और उस कमी को उन्होंने पूरा किया सो so, इस प्रकार से इतने सारे मॉडल्स आए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिना पिछले मॉडल के अगला मॉडल आना इम्पॉसिबल था ये बात समझते हुए हम जब इन थियोरीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा ऑलवेज रिमेंबर वेर यू आर स्टडिंग ए थियरी देर माइट बी सम लिमिटेशन सम ड्रॉबैक एंड ऑब्वियसली कुछ किया है तो उसके फायदे भी तो होंगे एडवांटेजेस भी होंगे मेरिट्स भी होंगे तो हमें आज का हमारा काम होगा इन तीनों साइंटिस्ट के मॉडल्स को समझना पहले एटम के जो मॉडल्स उन्होंने दिए उनके फायदों को भी समझना और उनके डीमेरिट्स ड्रॉबैक्स को भी है हमें समझना तो चलिए फिर शुरू करते हैं वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम बच्चों जैसे कि मैंने कहा एटम के जो मॉडल्स हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किए हैं और आपको एक टाइमलाइन के द्वारा ऑर्डर में याद करना होगा अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना वर्जन दिया है एटम के स्ट्रक्चर का और सभी के बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया है इन लोगों ने क्योंकि इन्होंने उस चीज़ पर काम किया जिसके बारे में सब जानना चाह रहे थे कि हमारी जो दुनिया है वो बनी किससे है और जिस एटम से वो बनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सो ऑल ऑफ दिस साइंटिस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ऐटम मेड अपल अलग साइंटिस्ट ने काम किया और फाइनली हमें ये समझा दिया और बता दिया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो चलिए जानते हैं इनके काम को इनकी मेहनत को समझते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डिड द रीच टू दिस कंक्लूशन जो एटम को हम पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी किसने दी कब दी और कैसे दी इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो चलिए एटम की दुनिया में प्रवेश कर लिया जाए बच्चों एंड लेट्स अंडरस्टैंड वट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम ओके okay, बच्चों इससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कस करें एक जल्दी से एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे दूं में जो हमारे भाई साहब ने, ने अपनी में ये कहा था कि matter, mixture, कोई भी चीज ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स याद है ये बात जॉन डेल्टन ने ये कहा था हम सभी जानते हैं मैटर इज मेड स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स और उनका नाम था Atoms, क्या नाम है बच्चों उनका का मतलब क्या क्या था था याद है नाम ने कहा कि atom Indivisible Particle है. पर बाद में जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा और सीखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जॉन डाल्टन की बात झूठ ही निकली क्या हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये दो बहुत बड़े फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं सो so, डेल्टन एटॉमिक थियोरी टर्न आउट टू तो बी अ फेलियर झूठ मतलब गलत निकला फेल हो गई उसकी डैल्टनस एटॉमिक थियोरी उसने कहा था कि और कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता सबसे छोटा एटम ही है पर फिर गड़बड़ हो गई ना क्यों गड़बड़ हो गई साफ साफ हमने प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर लिया था और इलेक्ट्रॉन को भी तो इनकी बात जब झूठ निकली तो बहुत जरूरी हो गया ये समझना कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है यह कहाँ अरेंज है इनकी अरेंजमेंट को समझना बहुत जरूरी था इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को समझना जरूरी था कि एटम के अंदर वो कैसे प्लेस्ड है इस सवाल का जवाब ढूंढने अलग अलग साइंटिस्ट निकल पड़े ओके सो हैव यू अंडरस्टूड जो डिस्कवरी की गई जो ढूंढा गया वो क्या ढूंढा गया किस पर्पज से ढूंढा गया जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियोरी फेल हो गई इनडिविजिबल पार्टिकल एटम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर किए जा चुके थे उनकी डिस्कवरी के बाद ये सवाल उठा कि ये कैसे अरेंज्ड हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले और अलग अलग एटम के मॉडल्स सामने आए सो एटमिक मॉडल्स नाइनटीन सेंचुरी तक कब तक सेंचुरी तक इट वॉज 19वीं सदी में बच्चों उसके एंड में ये समझ आ गया था सबको कि एटम इनडिविजिबल नहीं है मतलब उसको डिवाइड किया जा सकता है एटम वॉज डिविजिबल एक और बात दैट एटम वॉज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ये बात समझ आ गई थी जैसे यह समझ आ गया था 19वीं सदी के एंड पे कि भाई एटम को और भी तोड़ा जा सकता है ओके okay? तो और यह भी जाना गया कि और स्मॉलर पार्टिकल्स हैं तो अगला बड़ा सवाल यही था जो साइंटिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश की हाउ पार्टिकल्स आर अरेंजड इन साइड द एटम आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स आपको जब कोई चीज़ समझनी हो ना पहले आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों हुई है एक्चुअली कहने की क्या कोशिश की जा रही है ओके, सो एटॉमिक मॉडल इसलिए आए ताकि हमें अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चल जाए एटम के अंदर सिंपल सी बात है एटम तोड़ा जा सकता है और अगर तोड़ा जा सकता है तो फिर कैसे अरेंज किए उनके पार्टिकल्स को एटम में यही सवाल ढूंढने के लिए निकल पड़े हमारे साइंटिस्ट एटम इनडिविजिबल सोच रहे थे जो कि झूठ निकला तो जब ये झूठ निकला है तो अब सच ढूंढा जाए तो सच ढूंढने के लिए कि भाई ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कैसे अरेंज होते हैं सबसे पहला काम सबसे बड़ी शुरुआत की जे जे थॉम्सन ने नाम याद रख लीजिएगा जे जे थॉम्सन ये पहला वो व्यक्ति था जिसने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया याद रहेगी ये बात एटम के मॉडल को प्रपोज करने की पहल जे जे थॉम्सन ने की थी सो रिमेम्बर वंस अगेन जे जे थॉमसन वाज़ द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम तो अब अपने को ये समझना है जे जे थॉमसन ने बताया क्या समझाया क्या तैयार हो आप चलिए फिर उनका जो मॉडल था ना एटम का बड़ा इंटरेस्टिंग सा था मस्त मूडी आदमी था ये जब खाना खाता था उसको लगता था यार इसमें कहीं ऐटम तो नहीं बहुत डिटेल में उसने काम किया और उसने ये जाना और समझा कि उसने हमारे एटम के बारे में जो कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही क्या कही बता देती हूँ उसने ये कहा कि जो हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है और उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्ब किए गए हैं कैसे कैसे समझे इसको वी कैन कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एन विद विदर मेलन और पुडिंग मैंने इसीलिए कहा था बड़ा खाने में बड़ी दिलचस्पी रखता था ये जयजे थॉमसन। क्रिसमस की पुडिंग में उसको लगा कि एटम भी ऐसा ही होता है क्रिसमस पुडिंग या फिर एक और एग्जाम्पल दिया गया जो है हमारा वॉटर तरबूज आप सभी ने देखा होगा बच्चों तो जे जे थॉमसन का ये मानना था कि जो एटम होता है वो या तो क्रिसमस पुडिंग की तरह है या फिर वाटरमेलन की तरह होता है मतलब जो रेड पार्ट है ना जो हम खाते हैं वो रेड एडेबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन रिप्रेजेंट्स द स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड वेयर एज ब्लैक सीड्स विल बी द इलेक्ट्रॉन्स जो रेड पार्ट है ना वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड ठीक है और जो ब्लैक हमारे सीड्स होते हैं वो बन गए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहां पे इमेज देखिए अगर आप उसने कहा एक पॉजिटिवली कहार है ठीक है ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पियर है यहां पर क्रिसमस पुडिंग में जैसे कि रेजेंस वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले होते हैं वैसे उसको लगा कि यहां पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी यहां वहां डले हुए मिलेंगे ये था जे जे थॉम्सन का मॉडल उन्होंने क्या किया क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया और वाटरमेलन से कंपेयर किया बात सौ बात की एक बात यह है कि ये जो रेड पार्ट है पॉजिटिवली है और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स है ये उन्होंने कहा तो जब उन्होंने ये कहा इससे ये बात प्रूव हो गई कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज न्यूट्रल क्यों है पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है सिंपल पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो क्योंकि वो दोनों इक्वल है कि भाई हाँ उन्हें लगा भाई दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चार्ज भी है, चार्ज भी है है नेगेटिव और ये कहा इक्वल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा तभी तो बैलेंस करेंगे ना अपने आप को तभी स्टेबल रह पाएगा एटम तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है ये जो थॉमसन जी का मॉडल था बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ बिकॉज ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ एटम जे जे थॉम्पन की सबसे बड़ी सक्सेस अगर कुछ है तो यही है कि उसने ये बात प्रूव करी कि जो हमारा एटम है ना वो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा भाई क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है इक्वल इन मैग्नीट्यूड जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है ठीक है इस वजह से हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बहुत फायदेमंद साबित हुआ ये मॉडल सभी के लिए क्योंकि ये प्रूव हो गया कि हाँ एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पर एक प्रॉब्लम हुई थॉमसन एटॉमिक मॉडल जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से गुजरा तो तब साइंटिस्ट ने कुछ सवाल पूछे उन सवालों का जवाब जे, जे थॉमसन के मॉडल के पास नहीं था जे, जे थॉमसन ने एक बड़ी अचीवमेंट की एटम का एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसमें उसने ये कहा कि नेगेटिवली चार्ज स्पीयर है और पॉजिटिवली पॉजिटिव positive क्या है नेगेटिव क्या है वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए क्या होगा स्पीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो सीड्स की तरह देखिए कैसे हर जगह बीच में फैले हुए हैं क्लियर टू ऑल ऑफ यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ये बात कही गई जे जे थॉम्सन के मॉडल के फायदे बता दें

वो इमूवेबल है उन्होंने कहा कि वो फिक्स है ये कहते हुए कि पूरा वॉल्यूम ऑफ द आइटम में वो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स है ठीक है जिस वजह से चार्ज पार्टिकल जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है आर एमिटेड वैन जब एक मेटल को हीट किया जाए तो उन्होंने कहा जो एमिट होंगे वो होंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही पॉजिटिवली चार्ज फिक्स होंगे ये कहा उन्होंने

जे जे थॉमसन के मॉडल ने ना ही हमको स्ट्रक्चर दिया एटम का ये कहा कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बट ये भी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी समझा पाए क्योंकि मेटल मेटल जो है जब उसको हीट किया जाएगा उसने ये कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो मिट्ट हो जाएंगे और पॉजिटिवली नहीं होंगे क्योंकि वो फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लेन देन चलेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाएगा तो समझ आई ना इससे ये बात तो जे जे थॉम्पसन के एटम के मॉडल से ये फायदा हो गया पर कमियां भी तो थी गड़बड़ भी तो थी सो तो जो डीमेरिट था जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो ये नहीं बता पाया जब रुगरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट आया उसने कहा भाई चलो ठीक है तुम्हारा हिसाब से एटम का मॉडल ऐसा होता है कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज फियर है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ वहां घूम रहे हैं ठीक है पर जब रुदर ने एक एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारी बातें वैलिड ही नहीं रही ऑल वर वर डिस्कार्डेड ऐसा क्या किया फोर्ड ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया चलिए बता देते हैं आपको रुदरफोर्ड ने क्या किया ये बताना जरूरी है जे जे थॉमसन ने जब कुछ समझाया तो उसको प्रूफ करने के लिए उस पर समझने के लिए रूदर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे सारी काया ही पलट गई सब चेंज हो गया तो रुदर ने ऐसा क्या किया चलिए बता देती हूँ मैं बच्चों उसने ये कहा अगर हम पार्क में खेलने जाए तो आपने देखा होगा जो फेंस होती है सामने या फिर आप दीवार लगा लो दीवार पे आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस आएगी कोई चीज़ है जो बॉल को रोक रही है जिसकी वजह से वो बाउंस बैक करती है दीवार हमारे बॉल को रोकती है और वो बाउंस बैक कर जाता है उसने कहा कि मैं हमारे एटम में से ऐसे ही चीज़ें पास करूंगा पता करते हैं कि एटम में भी कुछ है क्या जो जैसे बॉल रुकती है वैसे ही अगर पार्टिकल्स रुकेंगे क्या होगा मैं जानना चाहता तो हूँ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि एटम से मैं कुछ पास करके देखूंगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ये पता चलेगा वो पूरा खाली है कहां से खाली है या कितना खाली है वोट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ये समझने की कोशिश की रुदरफोर्ड ने सो so उन्होंने एक, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग का मतलब जानते हो बिखर जाना स्कैटर हो जाना है ना उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया बड़ा मजेदार था बच्चों ये इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक काम किया बहुत तेजी से फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू कहा भेजा किस पे गिराया फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल बहुत पतले से गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को हमने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को सेंड कर दिया थिन गोल्ड फॉइल इसीलिए लिया वो चाह रहे थे कि कम से कम सबसे पतला मैं लूंगा ताकि मुझे एग्जैक्टली डिटेल में पता चले सबसे छोटा जो पॉसिबल है कि भाई एटम में है क्या ये पता करने के लिए बिकॉज फास्ट मूविंग आल्फा पार्टिकल्स हैव अमाउंट ऑफ एनर्जी टू थ्रू द मैटर ये आल्फा पार्टिकल पता है क्यों लिए क्योंकि इनमें वो क्षमता है फास्ट मूविंग इसीलिए इतनी एनर्जी है कि वो पार पार हो जाए उसके समझ रहे हो इतनी एनर्जी है उनमें काइनेटिक एनर्जी उनमें थी उन पार्टिकल्स में ताकि वो आराम से अल्फा पार्टिकल्स इसीलिए चुने ताकि वो निकल लें पेनेट्रेट कर जाएं गोल्ड फॉयल क्यों सेलेक्ट किया भाई आपके मन में सवाल आना चाहिए आपने कहा मैम अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं गोल्ड फॉयल भेज रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों चुने गोल्ड फॉयल ही क्यों चुना ये सवाल मन में आना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये पूछा जाता है कि Rutherford ने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया तो उसका जवाब है ही थिन लेयर बिकॉज पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो एक्चुअली ये अल्फा पार्टिकल्स आसानी से थिन गोल्ड फॉइल से निकल जाएंगे ओके okay? पतले से पतला उसको चाहिए था ताकि एटम के बारे में डिटेल में वो समझ सके भाई हा या ना सो गोल्ड फॉइल वॉज रिक्वायर्ड एंड सेलेक्टेड थिन रिक्वायर्ड क्योंकि आसानी से उसे पेनेट्रेट कर जाए और अल्फा पार्टिकल्स का मतलब पता है क्या होता है क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं एच प्लस मतलब उनका टू यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें कितना होगा टू यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ठीक है बच्चों ये बात आप समझ गए हो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए क्या-क्या चुन लिया रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स ले लिए और थिन गोल्ड फॉइल ले लिया इन दोनों को लेके एक्सपेरिमेंट किया देखिए अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास कर दिया गया क्या किया अल्फा पार्टिकल्स को बहुत तेजी से गोल्ड फॉइल से पास कर दिया गया और जब पास हुए तो जो हुआ वो बड़ा शॉकिंग था शॉकिंग ये था ये जो गोल्ड फॉइल है ना थिन गोल्ड फॉइल इसीलिए चुने थे कि भाई एटम्स ना नज़र आए अपने को नज़र इन द सेंस उसके अंदर का बिहेवियर को हम समझ पाए कि हो क्या रहा है तो जो एटम्स थे ना गोल्ड फॉइल में जो थिन लेयर एटम्स के थे उसमें क्या हुआ जब ये रेस गए ना देखो साफ साफ कुछ तो सीधे सीधे आर पार हो गए हैं और अगर हम गौर से देखे तो कुछ डिफ्लेक्ट भी हो गए हैं और कुछ देखिए वापस भी आ रहे हैं रिफ्लेक्टेड बैक यही समझना था उनको एटम के बारे में कि अगर मैं तेजी से कुछ पास करूं वो खोखला है या क्या है तो देखा कुछ है, तो साफ-साफ सीधा निकल रही ज्यादातर सीधी निकल गई रेस और कुछ डिफ्लेक्ट कर गई और कुछ वापस आ गई तो ये जो अगर हम देखें कितनी वापस आई है कितनी परसेंटेज भी समझना होगा तभी हम एटम के बिहेवियर को समझ पाएंगे तो उन्होंने कुछ की और वो ऑब्जर्वेशन में से पहली यही थी कि ओनली फ्यू लार्ज डिफ्लेक्शंस कुछ ही रेस ऐसी थी जो बहुत कर गई ठीक है दिस लेड टू दंक्लूजन दैट एनॉर्मस चार्ज मस्ट बी कन्फाइंड टू अ वेरी स्मॉल रीजन द स्मॉल रीजन वॉज गिवन द नेम न्यूक्लियस समझो इस बात को कि डिफ्लेक्शन ना जब रेस आ रहे थे ऐसे डिफ्लेक्शन तभी होता है जब बीच में रुकावट आ जाए तो क्योंकि ये जो बहुत कम डिफ्लेक्शन हुई थी इसका मतलब बहुत ही कम रीजन में कुछ है जो रोक रहा है और उस रीजन को नाम दे दिया न्यूक्लियस क्या नाम दिया उसे नाम दे दिया न्यूक्लियस ये अपने को समझना है ये है हमारा न्यूक्लियस और इसको ये नाम इसीलिए दिया गया इस कंक्लूजन से कि भाई जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना देखो बेटा कोई चीज ऐसे सीधी चल रही है बीच में रुकावट आएगी तो टेढ़ी हो जाएगी कि नहीं तो जो डिफ्लेक्शन हुए बहुत ज्यादा नहीं हुए कम ही हुए तो इसीलिए कम मात्रा में ही वो प्रेजेंट है और इसीलिए उस स्मॉल रीजन को नाम दे दिया गया न्यूक्लियस ठीक है चलिए फिर आगे बढ़िए रुद्र फोर ने क्या किया ही प्रपोज दैट एन एटम इज कम्पोज ऑफ ए डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस

कम मात्रा में बाहर आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मोस्ट ऑफ द एटम इज ऑलमोस्ट एम टी ये कहा हमारे रुद्र ने कैसे कहा एक और बात बता दूँ मैं आपको डिटेल में और वो ये है अगर हम एक एटम की स्टेबिलिटी की बात करें तो उसके बारे में भी रुद्रफोड ने एक बात कही फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी स्टेशनरी ये बात उसने कही कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह टिक नहीं बैठ सकते क्यों कहा ऐसा दे वुड बी ड्रॉन इन टू द न्यूक्स रुदर फोर एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स फॉर मूविंग इन सर्कल्स बच्चों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट होंगे कि नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नजदीक होंगे तो न्यूक्लियस में गिर ही जाएंगे फिर नहीं गिर रहे इसीलिए नहीं गिर रहे क्योंकि वो स्टेबल है और स्टेबल कैसे है उसने ये कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर्कल्स फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड उन्होंने ये अज्यूम किया क्या किया दैट इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स बोलो मैं ये बोलोगे मैम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या हैं सेंड्री पटेल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसने बस ये कहा कि एटम में बीच में न्यूक्लियस है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल्स में बस इतना बताया और ये डिटेल में नहीं समझाया फर्दर जस्टिफिकेशन नहीं दी बस इतना ही कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और वो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं गिर रहे क्योंकि इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उन्हें कर रखता है और वो ना बच्चों ये कैसे आई आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में ये बात पूछी जा सकती है रुद्र ने जो कंक्लूजन किए हैं एटम के बारे में जो बातें बताई हैं ये बातें एग्जैक्टली exactly उसको इसीलिए पता चली क्योंकि वो जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना उसमें उसने जो कंक्लूजन देखे थे जो मैंने आपको बताए हैं वो रिटर्न फॉर्म में भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप जल्दी से देख लो पहला पहला ऑब्जर्वेशन क्या था एक्सपेरिमेंट में यही था ना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ ये बात हमने देखी साफ 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 हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में पास हो हो रहे थे, आर पार हो रहा था मामला, अगला देखो, ये बात हमने deflections देखे हमने समझी, देखे एक्सपेरिमेंट में, ना? तो वहां पर यह समझ में आया कि बहुत कम बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ है हाँ है ना अगला एक और जो कंक्लूजन आया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब कई सारों में बीस हजार पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस बाउंस बैक कर रहा था ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल बहुत सारों में एक ऐसा एक ऐसी रही थी जो वापस बाउंस बैक कर रही थी तो इस वजह से ही ये कंक्लूजन आए हैं बच्चों आई होप यू ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली एक मॉडल अपनी तरफ से प्रेजेंट कर दिया और ये कहा उसे नाम दिया गया रूदर फोर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम कौन से साल में हुआ ये 1911 में हुआ उन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से समझाया और इसका नाम रखा प्लानिटरी मॉडल क्या रखा प्लानिटरी मॉडल कुछ याद आया बचपन में प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा हम जानते हैं ना कि कैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है हाँ ना सन कैसे रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है वो लॉजिक यहाँ पर लगाया गया इसीलिए इसका नाम लगाया गया प्लानिटरी मॉडल तो उन्होंने कहा बीच में न्यूक्लियस है जहाँ से बाउंस बैक किए थे ना बहुत कम जगह में उसका नाम न्यूक्लियस रख दिया क्योंकि आर पार जा रहा था सब कुछ इसीलिए उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ इट एड एमटी स्पेस और फिर ये कहा कि हाँ नेगेटिवली चार्ज भी मौजूद है और वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में समझ गए ये बात Rutherford का मॉडल अब समझ आ गया होगा आपको और अब आप ये भी समझ गए हैं कि यह प्लेनेटरी मॉडल नाम क्यों और कैसे आया है ना सो so, जो मेन फीचर्स थे के आटम के के एटम मॉडल बता देती हूं मैं आपको जल्दी से बच्चों ये आपको समझना होगा और ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्सपेरिमेंट समझ गए तो ये तो बहुत आसान है देखो पहला फीचर यही था एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज सिटेड एट सेंटर ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं हम उसी बात को प्रॉपर इंग्लिश में समझा रखा है कि एटम में पॉजिटिवली पार्टिकल मौजूद है और उसका नाम रखा गया है न्यूक्लियस ओके okay? और उसी में एंटायर मास ऑफ द एटम है ये कहा गया कि पूरा मास एटम का उसी में है इलेक्ट्रॉन तो टिक बैठते ही नहीं है इधर उधर रिवॉल्व करते रहते हैं लेन देन भी चलता है कंपाउंड्स भी बन जाएंगे तो इसीलिए पूरा मास इसका न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है और ये बात अपने को समझनी है राइट right?

एक सर्कल का राउंड दूसरा दूसरे के राउंड तीसरा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स माने जाएंगे और ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जा रखे हैं क्लियर बच्चों ये बार? ये बात? भी रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें समझ आ गई एक और इंटरेस्टिंग बात क्या थी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बहुत बड़ी बात है ये जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना उतने ही प्रोटॉन्स है ये बात उन्होंने कही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तभी तो वो स्टेबल होगा हाँ या ना ये बात उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और वो दोनों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बात कह दी रुदे ने और ये बात बहुत इजीली उन्होंने समझा दी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दॉल्यूम ऑफ एटम ये उन्होंने कहा कि ऐटम को अगर हम कम्पेयर करें न्यूक्लियस बहुत छोटा है भाई बहुत ज़्यादा छोटा है उसकी वॉल्यूम बहुत कम है तो अब ये बात हम समझ ही गए इस बात से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दम टी ज्यादातर ये खाली ही है भाई कुछ नहीं है इसमें ओके क्यों नहीं है भाई बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है और कहीं 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 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है ये बात रुद्र ने समझा दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन्स कही कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहे हैं रुदरफोर्ड ने काफी अच्छा काफी सक्सेसफुल मॉडल प्रेजेंट कर दिया पर कमियां तो इसमें भी थी क्या कमी थी रुद्र ने ये नहीं बताया कि ये जो एक ऑर्बिट है ना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई कैसे पता चले एक इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है कहाँ वो इलेक्ट्रॉन प्लेसड है ये बात रुदरफोर्ड नहीं बता पाए क्लियर है ये बात उन्होंने ये नहीं समझाया नेक्स्ट तो जब ये दिक्कत हुई तो एक और दिक्कत भी सामने है। और वो ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी के अनुसार फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी पढ़ी होगी आपने कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो एनदर चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है ये पॉइंट को ध्यान से समझिए यहाँ पर कंटिन्यूस एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा This loss of energy would slow down the speed of electron and eventually the electron would fall into the nucleus. But such a collapse does not exist. Rutherford ka jo का जो मॉडल था ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन raha कर रहे हैं ना उसके लॉजिक के हिसाब से वो ये बात समझा ही नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे टिके हुए हैं वो जाके अब न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरे रिवॉल्व हो रहे रिवॉल्व हो रहे कभी तो थकेंगे और जब थकेंगे उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उनको न्यूक्लियस में आके गिरना ही है ये जो बात है रोजर के पास इसका जवाब नहीं था मतलब ये उसका ड्रॉबैक रह गया जब ड्रॉबैक रह गया तो ये भी वो नहीं समझा पाया कि जैसे इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस बट द एक्चुअल स्पेक्ट्रम ऑफ वेल डिफाइंड लाइन्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी द लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस इन एन एटम उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बार बार अपने आप मतलब एनर्जी लूज करता चला जाएगा पर अगर लूज करता चला जाएगा तो फिर वो फिक्स्ड कैसे रहेगा एक जगह पर तो ये सवाल का जवाब रुद्रफोड नहीं दे पाया था बच्चों ये नहीं समझा पाया कि न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई और ये टिके हुए कैसे हैं यहाँ पर एनर्जी लूज होती चली जाएगी तो कैसे टिकेंगे ये ये बात वो नहीं समझा पाया तो इन डिफेक्ट्स की वजह से हमारे एक और साइंटिस्ट ने काम किया नील्स बोर बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है ये इसने रुदरफोड की मेहनत को यूज करते हुए अपना एक लॉजिक दिया और जो कमियाँ थी रुदरफोड के मॉडल में उसको कंप्लीट कर दी सो नील बोर ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है ये पता है क्यों इसने एक्जैक्टली जो एटम का स्ट्रक्चर है उसका फाइनल वर्जन बता दिया था और जो कमियां थी उन सभी को दूर कर दी थी और ये हुआ था ऑलमोस्ट 1922 में तो उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया था इस बात के लिए सो so, जो हमारे नील्स बोर हैं इन्होंने बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये 19वीं और सॉरी 20वीं सदी के ओके okay? इन्होंने 1922 में नोबेल प्राइज़ भी जीता इसी काम के लिए जैसे ही स्टडी स्ट्रक्चर एंड रेडिएशन ऑफ एटम्स के बारे में बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था तो चलिए फिर जानते हैं कि नील्स बोर ने ऐसा क्या किया कि उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया भाई क्या समझाया उन्होंने उन्होंने क्या किया रुद्र का जो मॉडल था उसमें जो कमियाँ थी उसको कम कर दिया खत्म कर दिया बल्कि एंड एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर प्रपोज्ड ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम बोर ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया उसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहते हैं बच्चों उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही वो मॉडल है जो हम सीखते आ रहे हैं फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपको कोई ड्रॉ करने को कहे तो हम नील्स बोर का मॉडल ऑफ एन एटम ड्रॉ करते हैं क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो जब मॉडल एटम का बनेगा इन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में देखो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज नजर आ रहे हैं कैसे ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं तो रुदर की ऑलमोस्ट बात सेम ले ली इसने पर रुद्र की कमी को दूर किया है बस कैसे किया है कैसे यहाँ पर के एल एम एन शेल्स ये जो वन टू थ्री फोर ये चार ही क्यों है कैसे आए चलिए नील्स बोर ने कैसे समझाया ये बात हम जानते हैं उनके जो मॉडल है उनके फीचर्स को समझते हैं तब हमें ये बात समझ आ जाएगी जा� द एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल द मास इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम ये बात तो पता ही है ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये बात गौर से सुनिए यहाँ पर नील बोर का जो खास बात ये थी कि जो कमी उसने रुद्र की दूर की है ना वो कैसे की देखिए उसने ये कहा कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी है और द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर शेल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी सो so, इसी हिसाब से दिज ऑर्बिट्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स क्या नाम रखा इनका एनर्जी लेवल्स और उनके नंबरिंग लगा दी क्या क्या रखा वन टू थ्री फोर लिख लो या फिर के एल एम एन लिख लो वन टू थ्री फोर या फिर के एल एम एन न्यूक्लियस से शुरू करेंगे हम के एल एम एन उल्टा मत आ जाना गलत मत लिख देना शुरुआत न्यूक्लियस से करनी है ये बात याद रखिएगा ठीक है ये उन्होंने कहा और फिर बाई द टाइम द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एनी ऑफ द अलाउड स्टेशन बट इट नॉट लूज एनर्जी सच ए स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट बच्चों एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट नॉर्मल स्टेट ये बातें अपने को समझनी होगी इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कोई भी चीज़ अगर नीचे है ठीक है ग्राउंड स्टेट में है तो उसको हम एक्साइट करेंगे तो ऊपर जाएगी उसका जो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वापस नीचे आ जाएगी ऐसा होता है ना सिंपल लॉजिक है तो यहाँ पर देखिए एमिशन और एब्जॉर्बशन ऑफ एनर्जी होगा या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी

और इनमें एनर्जी भी फिक्स्ड है इसीलिए के ना, एल एम एन वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे नाम दे दिया उनको ठीक है और ये कहा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एनर्जी लगेगी और वो रेडिएशन रिलीज होगा ठीक है बच्चों ये बात इन्होंने कही नील्स बोर ने तो फिर एक बढ़िया बात समझ में आ गई और वो बात ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा ना इनर से आउटर ऑर्बिट को के से एल में जब जाएगा बाय कैसे जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी द न्यू स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी द एक्साइटेड स्टेट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूँ ये मेरा ओल्ड स्टेट है ठीक है मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हूँ ग्राउंड स्टेट से मैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गई हूँ और वो मैं कैसे पहुंचूंगी बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझ में ताकत होनी चाहिए ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो तब मिलेगी जब हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर हमारे पास ताकत होगी और हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे ठीक है सो so एब्जॉर्बशन हो जाएगा डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ठीक है ये बात क्लियर है जब एक जगह से दूसरी जगह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचता है हमारा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको ताकत मिलती है और वो पहुंच जाएगा क्लियर है ये बात और एक खास बात बच्चों कि नेगेटिवली चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो कौन से पाथ में कर रहे हैं सर्क्यूलर पाथ में कौन से पाथ में सर्क्यूलर पाथ में अब आपके मन में सवाल आया होगा इसका क्या इलाज है ये सर्कुलर पाथ में क्यों और कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं क्या है वो वो जादू क्या है जो उसको टिका के रखता है वहां पर और वो जादू है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में किसके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बच्चों इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़िया प्यारा सा नाम है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या फोर्स है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिमेंबर दिस थिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वाज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस लॉजिक से ये समझ में आ गया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो टिका के रखता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में शेल्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है ये भी बताया कि ये जो शेल्स हैं इनको डिस्क्रीट कहा गया है क्या कहा गया है बच्चों डिस्क्रीट या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट्स ठीक है ये इन्हें कहा गया है इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो नील्स बोर ने रुदरफोर्ड की कमी को दूर कर दिया किया कि नहीं जो सवाल का जवाब था कि भाई इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसे रिवॉल्व कर रहा है कैसे प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं गिर रहा इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हर लेवल में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और वो बढ़ती चली जाएगी के एल एम एन ये एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट वाला लॉजिक लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है बच्चों सो so, अब आप समझ गए हो कि जो एटम का जो मॉडल था अलग अलग लोगों ने प्रेजेंट किया जैसे डिफरेंट टाइम लाइन है पूरी एटम की मॉडल्स की सबसे पहले शुरुआत अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कैसे ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस एंड ल्यूसीपस ने इनडिविजिबल पार्टिकल एटोमॉल्स नाम दिया था जहाँ से एटम्स नाम निकल के आया था याद है कि नहीं फिर कौन आया था हमारे जॉन डेल्टन महाशय आ गए थे इन्होंने एटॉमिक थियरी दे दी थी क्या दे दी थी एटॉमिक थियरी डेल्टन व्यूड एटम्स एज एसाइनी सॉलिड बॉल्स जॉन डाल्टन ने एटम को एक बॉल की तरह रिप्रेजेंट किया बोला कि सबसे छोटे छोटे से बॉल होते हैं बट फिर आए हमारे थॉम्सन जे जे थॉमसन ने बताया कि एटम और और भी छोटी चीजें हैं उसमें दे आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर थिंग्स उन्होंने क्रिसमस पुडिंग वाटरमेलन रेजिन बन अलग अलग नाम है इनके मतलब वही है मॉडल दिया जिसमें बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पिय है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं जैसे सीड्स बिखरे हुए होते हैं वॉटरमेलन में जे जे थॉमसन के इस मॉडल के बाद पता चल गया था कि यह एटम इलेक्ट्रिकली है, 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 है प्रोटॉन्स होते हैं ये बात ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस ही शोर दैट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ये बात उन्होंने कही और उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व करेंगे उस न्यूक्लियस के अराउंड पर कैसे करेंगे ये नहीं बता पाए तो नील बोर ने इसको इम्प्रूव कर दिया रिजरफोर्ड के मॉडल को और फिर ये हमारी किताबों में हम पढ़ते हैं हाँ या ना राइट स्टूडेंट्स ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक लेयर्स राइट में फिर बारी आई जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कवर कर दिया ऑलरेडी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मैं आपको समझा चुकी हूँ पढ़ा चुकी हूँ और न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं होता उनमें बात उन्होंने कही और वो प्रोटॉन्स के साथ हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये बात उन्होंने समझा दी थी फिर और भी साइंटिस्ट है, है उन्होंने और एडवांस लेवल में चीजें समझाई ओके उनके बारे में आगे आने वाले सालों में आप जानोगे सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने ये जाना कि हमारा जो एटम है ना इस एटम का स्ट्रक्चर है क्या है स्ट्रक्चर इसको समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किए तो उनके टाइमलाइन को हमने जाना उनके नाम हमने जाने उन साइंटिस्ट को हमने समझा उन्होंने क्या बताया सभी के हमने मेरिट्स देखे और डी मेरिट्स भी देखे हैं बच्चों सो आई होप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा अब मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहला आइटम का मॉडल किसने बताया था इंटरनल में सवाल आ सकता है तो हम लिखेंगे जे जे थॉम्सन ने बताया था और जे जे थॉम्सन के मॉडल को किससे डिस्क्राइब किया गया उसे क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहा वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया आपको ये मॉडल पूरी तरीके से समझाना होगा बच्चों विथ डायग्राम कि रेड एडिबल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है है ना और नेगेटिवली चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मतलब ब्लैक सीड्स की तरह पूरा समझाना पड़ेगा जे जे थॉम्सन के मॉडल को आपको समझाना होगा क्लियर सो so, आपको जे जे थॉम्सन की मॉडल को समझाना होगा ओके एक्सप्लेन मॉडल ऑफ एन एटम, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया तो बहुत बढ़िया है आपको साइंटिस्ट का नाम क्वेश्चन में ही दे दिया गया है पर आपको डिटेल में इसको समझाना होगा समझाने के बाद मैंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों समझा दीजिएगा ओके सिमिलरली अगला मॉडल जो आया Rutherford का आया का मॉडल ऑफ एन एटम वाज एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट क्या था भाई क्या था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था बच्चों अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए समझाया मॉडल को सो so आपको रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम समझाना है डिटेल में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझाना है क्या-क्या लिया उसने अल्फा पार्टिकल्स हीलियम को लिया हीलियम के पार्टिकल्स को लिया जिसको गोल्ड फॉइल से पास किया bombard किया और फिर कंक्लूजंस दिए ऑब्जर्वेशंस देखे है ना तो वो सारी बात आपको एक्सप्लेन करनी होगी बच्चों उसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स समझाने हैं ओके okay. फायदा और नुकसान दोनों हम समझा देंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स ओके okay. बहुत जरूरी है ये एक्सप्लेन कर पाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में विथ डायग्राम डिटेल में आप समझा पाओगे तभी नंबर आएंगे बच्चों हाँ या ना फिर बारी आएगी नील बोर के आइटम के समझाने की है ना नील्स बोर के आइटम बोर्स आइटम के मॉडल को आपको समझाना होगा बच्चों ओके okay. सो so, इनकी बात भी आप समझाओगे और उन्होंने कैसे रुगरफोड के ड्रॉबैक्स को ठीक कर कर अपना मॉडल बता दिया था आपको डायग्राम के साथ इसको समझाना होगा यू नीड टू एक्सप्लेन इट क्लियरली एंड आई नो स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि एन में डिटेल में ये चीज़ें दे रखी है एंड आई होप अब आप समझ भी गए होंगे बच्चों साइंटिस्ट के नाम उनके काम उनके फ़ायदे उनके नुकसान मॉडल के सब समझाने पड़ेंगे प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए हाँ या ना सो so बच्चों आई होप आज की क्लास आपको इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग भी लगी और आपको ये भी पता चला कि के अलग अलग मॉडल्स कुछ साइंटिस्ट के नाम भी पता चले आपको मैंने ये भी बताया कि ग्यारहवीं में इसके बारे में और क्या सीखोगे आई हे ऑलरेडी मैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखोगे इलेवेंथ में ये नहीं समझे तो वो कैसे समझ पाओगे बच्चों हाँ या ना तो डिटेल में एटम कैसा है क्यों ऐसा है ये बात हमने आज जान ली है सो आई होप किताबों में ये mentioned है और बच्चों आप भी ये जानते हो कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट अगर हम सच में देखें तो ये बोरिंग नहीं है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इसीलिए है इससे हम ये जान पाए कि हमारे आसपास की चीजें जिससे बनी है वो एटम उसका स्ट्रक्चर कैसा है है ना Scientist के नाम याद रखिएगा चीजों को अच्छे से समझिएगा एंड प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं आपको हर साइंटिस्ट का काम याद रखना है किस साल में उसने किए ये पता होना चाहिए उसकी कमियाँ क्या थी फिर कौन से साइंटिस्ट ने उन कमियों को दूर किया और अपना मॉडल कैसे प्रेजेंट किया फाइनल मॉडल कौन सा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यूज करते हैं यह भी पता होना चाहिए सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नोट इट डाउन डायग्राम बनाइए बकायदा लिखिए पॉइंट्स को नोट्स आपके लिए अवेलेबल होगी ही पीडब्ल्यू ऐप पे आई होप यू हैड फन इन क्लास क्लास अगली में वैलेंसी को समझेंगे आइसोटोप्स क्या 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 होते हैं? क्या होते हैं हैं आइसोबार्स एटॉमिक नंबर है मास नंबर क्या है ये चीजें जानकर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चों सो टूडे क्लास इज वेरी इन्फॉर्मेटिव वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा होमवर्क कीजिएगा मिलेंगे अपनी अगली क्लास में थैंक यू सो मच बच्चों पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट